सब्सक्राइब कीजिए जीएनएस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का मैं एक जबरदस्त ही टिप्स देने जा रहा हूँ। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हिंदी के इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, कुछ प्रोवर्ब्स हैं जिसे हम लोकोक्ति कहते हैं, कुछ डिफिकल्ट सेंटेंसेज हैं उसे हम कैसे हैंडल करें, किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, गिव द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो गाइस, ट्रांसलेशन एक बहुत ही जबरदस्त आर्ट है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन है। मेटाफ्रेज है जिसे हम लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं, ए वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट नेसेसरी एंड करेक्ट ट्रांसलेशन, तो वर्ड फॉर वर्ड नहीं कह सकते। दूसरा है इमिटेशन। इमिटेशन ज्यादातर बड़े बिग पोएट्री में हम यूज करते हैं, जैसे बड़े बड़े जो राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट है, पोएट है, विलियम शेक्सपियर, जो वर्ड्स ने इन लोगों ने यूज किया है। और जो थर्ड है वह पैराफ्रेज ट्रांसलेशन है या रिफ्लेक्टिव ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं। तो यही सही है, बिल्कुल उसके भाव को देख करके उसका जिस्ट निकाला जाता है। तो देर किस बात की, हम बिगनिंग करते हैं। तो फर्स्ट है, गीतिका को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ये सभी सब कोई मामूली वाक्य नहीं है, ऑर्डिनरी सेंटेंस नहीं है, इसमें बहुत ही जबरदस्त लॉजिक छुपा हुआ है। तो गीतिका को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, तो इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा, गीतिका गैव बर्थ टू अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। इसके जगह और हम कुछ लिखेंगे तो गलत होगा। तो आप देखिए, गीतिका गैव बर्थ, गीतिका गैव बर्थ टू ए स्टिल, STILL, स्टिल बॉर्न चाइल्ड। गीतिका गैव बर्थ टू ए स्टिल बॉर्न चाइल्ड, इसके जगह हम अगर डेड चाइल्ड करेंगे तो गाइज वह इनकरेक्ट होगा। इंग्लिश जो प्रोवर्ब है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज के साथ उसकी टांग तोड़ने की जैसे होगी। तो नेक्स्ट है, वह चांदी काट रहा है, यह भी एक प्रोवर्ब है। तो ही इज मिंटिंग मनी, He is minting money. It means he earns a lot of money. तो ये इस तरह से मुहावरे हैं, इसका अनुवाद हमने किया। वह घाघ है, he is deep one. यही करेक्ट होगा। मेरा दिल बाग बाग हो गया, यह जो हिंदी का जो प्रभाव है, लेकिन इसका अनुवाद में हम लिटरल जो ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। तो इसका होगा, I was overjoyed. I was overjoyed, ऐसे मत कर देना गाइज, My heart became a garden, garden. नहीं, गलत है ये। ये पैराफ्रेज ट्रांसलेशन है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है, मैंने उसके पिता के मरने की खबर सुनाई, तो करेक्ट होगा, I broke the न्यूज ऑफ, आई ब्रोक द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, आई ब्रोक द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ। अगर हम कुछ और करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे या अनाउंस करेंगे तो इनकरेक्ट होगा, अशुभ इनऑस्पिशियस न्यूज देने के लिए जो ब्रेक वर्ब का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई पेटू है, तो योर ब्रदर इज ए ग्लटन, ग्लटन, ग्लटन होता है वन हु इज टू मच, जो काफी ठूस ठूस के रेल फेल के खाता है उसे हम ग्लटन बोलते हैं। जो पेटू आदमी वो अपना जिंदगी भी नहीं देखता कि क्या होगा नहीं होगा, बस खाने की परी होती है। अब नेक्स्ट है, प्रोवर्ब, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ए हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन,
हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। क्लियर है गाइज? पासा पलट गया, इसका होगा द टेबल्स वर टर्न्ड। ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है कश्मीर की सुंदरता का क्या कहना, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन, तो करेक्ट होगा द ब्यूटी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन, यानी कश्मीर की सुंदरता को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, यहाँ पर एग्जैजरेट किया गया है, तो यही होगा और कुछ नहीं है। वो जूठन खाकर रहता है या जूठा खाकर रहता है, ही लिव्स ऑन, ही लिव्स ऑन द लेफ्ट ओवर, ही लिव्स ऑन द लेफ्ट ओवर, और कुछ हम नहीं कर सकते। उसे शराब पीने की लत लग गई है, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, जो बुरी आदत के लिए एडिक्शन वर्ब का यूज करते हैं, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। उसे स्वाध्याय की आदत लग गई है, तो अच्छे वर्क के लिए, जैसे स्वाध्याय जो अच्छा वर्क है, पूजा पाठ करना अच्छा वर्क है, चैरिटी अच्छा वर्क है, तो उनके लिए डेडिकेटेड होगा, उसे स्वाध्याय करने की आदत लग गई है, ही इज डेडिकेटेड टू सेल्फ स्टडी, ही इज डेडिकेटेड टू सेल्फ स्टडिंग। इसके जगह हम जानते हैं कि एडिक्टेड टू है, डेडिकेटेड टू है, या डिवोटेड टू भी हम बोल सकते हैं, तो उसके बाद झिरंड लगता है, वो हमें आईएनजी आपको लगाना होगा, अदरवाइज आप गलत कर बैठेंगे। अब नेक्स्ट है वह समुद्री डाकू है, तो ही इज अ पायरेट, जो सी रॉबर होता है, जो जहाज को लूटता है, अटैक करता है उसके ऊपर, तो वह पायरेट होता है। चोर चोर मौसेरे भाई, ए बर्ड ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, ए बर्ड ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये भी प्रोवर्ब है, इसका ट्रांसलेशन हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है उसे और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डज ही वांट, यह इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस था, इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही होगा। तो गाइस, जो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर बनता है, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।